मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डब्वाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद सर। आंसर लेट ऑन द फ्लोर। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर उपचुनाव से पहले मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड रोड के निर्माण के लिए जब हमने एचएसवीपी के अधिकारियों से बात की तो हमें बताया गया था कि एचएसवीपी की कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग को दे रखी हैं, जिनमें मंडी आदमपुर बाईपास से बस स्टैंड चौक की सड़क, बीडीपी ऑफिस से हनुमान मंदिर की सड़क भी शामिल है, बल्कि हनुमान मंदिर की सड़क आपके विभाग द्वारा हाल ही में बनाई भी गई थी। जवाब में आपने लिखा है कि ये सड़क एचएसवीपी के पास है, वो कह रहे हैं कि सड़क आपके पास है, तो आप दोनों के बीच के जो असमंजस है इसके कारण आदमपुर के आम जनमानस को बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस कंफ्यूजन को सुलझाया जाए और यदि ये सड़क एचएसवीपी के पास है भी तो भी इसको बीएनआर के अंदर लाकर इसका निर्माण किया जाए, क्योंकि आपके पास बजट भी ज्यादा है। साथ ही मंडी आदमपुर से सदलपुर रोड, मंडी आदमपुर से काबरेल बाय सीसवाल रोड, हिसार से बगला घुड़सार रोड के निर्माण के जवाब में आपने लिखा है कि ये वर्तमान में आपके विभाग के विचाराधीन नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गंभीरता के साथ और तुरंत प्रभाव के साथ इन सड़कों पर विचार किया जाए, क्योंकि ये हमारे हल्के की सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से हैं। यदि मैं कहूं कि ये जो तीनों सड़कें हैं ये आदमपुर हल्के के 80% गांवों को मंडी आदमपुर से जोड़ते तो शायद गलत नहीं होगा। रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर आमजनमानस यात्रा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर खड्डे ज्यादा और सड़क कम है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है और सवाल भी है कि इन सभी मार्गों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार द्वारा कब तक मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है कि एचएसवीपी या पीडब्ल्यूडी ओनरशिप किसकी है, ये क्लियर हो कि ओनरशिप एचएसवीपी की है। जिस दिन हमें हैंडओवर कर दी जाएगी हम उसको टेकअप करेंगे। दूसरी चीज, जहां आपने ये एक एलसी 113C के ऊपर बात की, वहां राइट ऑफ वे नहीं है, ब्रिज बनाया जा नहीं सकता। जहां आपके बरवाड़ा से लेकर और भादरा तक वाया अग्रोहा आदमपुर ये जो सड़क का है, इसको हमने दो बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया कि तीन नेशनल हाईवेज का कनेक्शन है, एनएच इसको टेकअप करे, उसके बाद उनका रिप्लाई नहीं आया। तो फेज्ड मैनर में पहला फेज हमने बरवाड़ा से लेके अग्रोहा तक इसको वाइडन करने का काम किया है, और आपका जो अब अग्रोहा से लेके आदमपुर का है ये अंडर कंसिडरेशन है। इसमें राइट ऑफ वे अगर हमारे पास पूरा रहेगा तो इसको भी आगे 4 लेन हम टेकअप करेंगे। जहां छोटे रस्तों की बातें हैं, ये रस्ते कई मार्केटिंग बोर्ड के भी हैं और कई पीडब्ल्यूडी के, और प्रत्येक रस्ता आज के दिन या तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के अंदर है, और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के जो बाहर थे वो एमएलए प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर 25 करोड़ रुपया हर विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने लगाया गया, जिसमें अधिकतम टेंडर जो है वो हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से फ्लोट हो चुके और मॉनसून के तुरंत बाद उन पर काम चला गया। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप ये सोचें कि फंड्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, स्टेट का अपना एक डैशबोर्ड है, NHAI तो बॉन्ड और इस तरीके से फंड्स इकट्ठा कर लेती है, हमें स्टेट हेड से पैसा मिलता है, और इस बार 3200 और 3400 करोड़ के बीच में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स था, जिसमें से 2400 करोड़ रुपया तो सिर्फ MLA 25 करोड़ प्रायोरिटी में हमने लगाया है, 700 करोड़ रुपया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को NHAI को देने का काम किया है, और उसके साथ साथ जो मेजर रोड डेवलपमेंट वर्क्स हैं उसके ऊपर हम प्रायोरिटी के साथ काम करें। जो भी माननीय सदस्य ने बात रखी है इंटरनल रोड्स की, अगले साल के बजट के अंदर हम प्रयास करेंगे कि उनको मिले।
क्रांति चौक रेलवे फाटक नंबर 113 सी पर जो अंडरपास का निर्माण होना है उसके जवाब में भी आपका जवाब आया था कि ये आपके विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि फाटक के एक तरफ FGM कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक के साथ साथ अनेकों ऐसे आदमपुर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कारण रोजाना 5,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इन पर यात्रा करते हैं। इसके साथ साथ फाटक के एक तरफ दुकान है तो दूसरी तरफ लोगों के घर है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि हम लोगों को सुविधा प्रदान करें, उनको कंफर्ट प्रदान करें। इस विषय में मैंने माननीय रेल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और बहुत ही लंबित मांग आदमपुर वासियों की रही है, तो मेरी आपसे इसके लिए भी प्रार्थना है और सवाल है कि जो फाटक पर अंडरपास बनना है इसका निर्माण कार्य कब शुरू हो सकता है। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो क्रांति चौक की बात करी, ये एक प्रोजेक्ट है जो अभी तक टेकअप नहीं किया गया। पर माननीय सदस्य ने ये नहीं बताया कि तीन फाटक जो और थे आदमपुर के, उनको हमने रेलवे ओवरब्रिज के माध्यम से कनेक्टिविटी बेहतर करी और क्रांति चौक से मेरे ख्याल से 100 मीटर दूर ही रेलवे ओवरब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिसकी वायबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ लैंड हमारे पास थी, काम चल रहा है, 80% के लगभग काम कंप्लीट भी हो गया और मैं ये मानता हूँ कि बाय दिसंबर उसको पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि दुकानें हैं, मोटरेबिलिटी है, कॉलेजेस, 100 मीटर की डायवर्जन के बाद फिर आने वाले समय में ये दिक्कत आदमपुर को नहीं रहेगी। ब्रिज बने हैं उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद दूं, लेकिन वो बहुत दूर है, एक आदमपुर मंडी की एक तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है। धन्यवाद। मंडी के बीचों बीच है तो प्रार्थना करता हूं कि इस पर धन्यवाद हो जी। धन्यवाद। माननीय सदस्य।